हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की थर्ड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आज की एक्सरसाइज बहुत इजी है एक्चुअली। उसमें दो टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x हो तो इंटीग्रेशन कैसे करना है, और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y हो तो उसको कैसे करना है। इसमें nth डेरिवेटिव है, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव है। तो ये तो बहुत इजी है बेटा, कुछ नहीं, आप एन टाइम्स इंटीग्रेशन कर दो इस साइड और इस साइड, दोनों साइड। तो एक्स के रेस्पेक्ट में एन टाइम्स इंटीग्रेशन कर दो, ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से बताता हूँ। एग्जांपल वन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका होगा ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन अगेन, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन। वापस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स। वापस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट बाय इंटीग्रेशन को वापस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करके इसका फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, इसका फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन से। इधर दो बार करना होगा इंटीग्रेशन, जैसे इधर दो स्टेप हुए ना बेटा, इधर भी दो स्टेप होंगे और इसका एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा वाई इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट बुक से देख के लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस फोर एक्स कॉस एक्स प्लस सिक्स साइन एक्स। सी वन का इंटीग्रेशन होगा सी वन एक्स, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू लगेगा। सिंपल है बेटा ये तो, जितनी बार एंथ डेरिवेटिव दे रखा है आपको उतनी बार आपको दोनों साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस बार वाई है एक्चुअली, अब तो एक्स था, दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक कम होता है, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो एंथ डेरिवेटिव जो वाई का है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ दिक्कत है, ये सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आप इसमें क्या करें, टू डी वाई बाई डी एक्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, बाय टू डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा ये, टू डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसको टू डी वाई बाई डी एक्स एफ वाई। अब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिए। एक सेकेंड, मैं इसको लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये होगा टू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का फिर डिफरेंशिएशन होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया बेटा ना, और ये तो एज इट इज। अब अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव मतलब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैपिटल डी का मतलब डी बाय डी एक्स है। डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे और इधर होगा टू डी वाई बाई डी एक्स एफ वाई डी एक्स, इसको भी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा बेटा, ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, वापस इंटीग्रेट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये तो ये सेम टर्म वापस मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और इधर डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, वाई का फंक्शन है, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इजिली हो जाएगा। तो जो भी इसका एफ वाई का इंटीग्रेशन, सपोज कैपिटल एफ वाई आया, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी वन लगा देना, ये स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट होगा, फिर वापस एक बार इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, इसका क्वेश्चन करता हूँ मैं। एग्जाम्पल फोर्थ,
डी सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विद प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। तो देखो बेटा यहाँ पे ये इस फॉर्मेट में है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई, फंक्शन ऑफ वाई है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, वो ये स्टेप्स बोथ साइड्स बाय टू डी वाई बाय डी एक्स। तो क्या मिलेगा बेटा ये 2dy/dx डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसको टू माइनस ए स्क्वायर वाई 2dy/dx। ये तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ dy/dx का होल स्क्वायर और ये एज इट इज माइनस का 2a स्क्वायर वाई dy/dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक काम करो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन तो आएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर और यहाँ पे होगा माइनस टू ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा y dy बाई dx और dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन dx dx कट गया dy, y का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा माइनस का टू ए स्क्वायर y का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा c1 यही लग जाएगा, y का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है। अभी सी वन माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर में वहां लूंगा स्क्वायर रूट होगा सी वन माइनस ए वाई का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसको अपॉन में ले लो। एक काम करो कांस्टेंट की जगह मैं सी वन स्क्वायर लगा देता हूँ, आप कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट का कोई भी फंक्शन आप कांस्टेंट की जगह लगा सकते हो। तो डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी वन का स्क्वायर माइनस ए वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स, ओके इसको इधर ले लिया इसको इधर ले लिया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा बेटा आपको, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स की जगह ए वाई है अपॉन ए की जगह ये वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है ये हो गया डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू, ओके ये आपका आंसर है ठीक है बेटा। बुक वाले ने थोड़ा सा इसको अरेंज किया है, बुक वाले ने एक्चुअली कॉन्स्टेंट की जगह सी वन ए स्क्वायर ले लिया, तो आप ऐसा करोगे तो सी ए स्क्वायर कॉमन आके यहीं रह जाएगा वो भी चलेगा बेटा, वो भी सही है और मैंने ए स्क्वायर यहाँ नहीं लिया है तो मेरा आंसर यह है कॉन्स्टेंट इधर उधर हो जाता है बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल सिक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर वाई टेन वाई, ओके मल्टीप्लाई बोथ साइड्स वही स्टेप्स बेटा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टू डी वाई बाई डी एक्स, तो योगा टू डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसको टू टू सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा टू सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स। वही बात इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूँ तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टू सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स और साथ में डी एक्स डी एक्स डी एक्स कट गया। इसमें कैसे करें बेटा टेन वाई को मान लो टी तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई विल बी इक्वल टू डी टी, यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले लग जाएगा सी वन तो ये होगा टेन वाई हो जाएगा बेटा टी और सेक्स स्क्वायर बाई डी वाई हो जाएगा डी टी, इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई टू, टू से टू कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया टी स्क्वायर प्लस सी वन, टी की जगह वैल्यू रख दो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया सी वन प्लस टेन स्क्वायर
वाई, स्क्वायर रूट उधर ले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, इसमें कंडीशन दे रखी है, सिंस कि y इज टू जीरो है और dy बाई डी एक्स इक्व टू वन है जब x इक्व टू जीरो है, तो सिंस dy बाई डी एक्स वन है वेन x इक्व टू जीरो है, तो इससे क्या, इससे क्या मिलेगा बेटा, c1 की वैल्यू मिल जाएगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो आप एक काम करो, dy बाई डी एक्स की जगह वन रखो, c1 की जगह कोई वैल्यू रखनी, ये y के लिए जीरो भी दी हुई है, y के लिए जीरो है, dy बाई डी एक्स के लिए वन है जब x के लिए जीरो है, तो x के लिए जीरो पे ये दोनों y के लिए जीरो होगी, dy बाई डी एक्स के लिए वन होगी, तो y के लिए भी जीरो रखो, टेन जीरो जीरो होता है, तो c1 वन की वैल्यू मिल जाएगी इससे वन, c1 वन की वैल्यू इधर रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, c1 वन की वैल्यू वन रख दी मैंने, वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, ये तो बहुत ईजी हो गया, तो वन प्लस टेन स्क्वायर वाई तो होता है आपका sec स्क्वायर वाई, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया sec वाई, sec को तो लाओगे तो cos हो जाएगा, cos वाई डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स, अब वापस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा बेटा, कॉस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी टू, ऑल्सो सिंस वाई इक्वल्स टू जीरो है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन है, वेन एक्स इक्वल्स टू जीरो है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसमें है नहीं, एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह जीरो रखो, साइन जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस सी टू, साइन जीरो तो जीरो होता है, सी टू की वैल्यू इसे मिल जाएगी जीरो, सी टू के लिए जीरो वापस इसी में रख दो, तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन साइन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस जीरो, यानी एक्स तो वाई के लिए आ गई साइन इनवर्स एक्स, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ओके बेटा, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स मैंने छोड़े हैं, वो आप लोग, आपको सारे करने हैं, और एक्सरसाइज फोर्थ सी के भी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, और डाउट्स हो तो मुझे पूछना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।